और स्वागत है आप लोगों का फिर से एक और नए वीडियो में। और इससे पहले वाले वीडियो मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई एमपी बोर्ड की कुछ मीटिंग आप लोगों की चल रही थी, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि कल जो आप ये वीडियो मैं बनाने वाला था, कल ही बनाने वाला था, बट कुछ कारणों से नहीं बना पाया। ठीक है, तो यहां पर आपकी जब मीटिंग हुई तो यहां पर भाई 3 से 4 चीजें जो है आपकी 10वीं और 12वीं के रिजल्ट को लेकर काफी कुछ महत्वपूर्ण बात उस मीटिंग में हुई है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो बनाने के पहले मैंने काफी कुछ एनालिसिस उसके बारे में किया, क्या एक्चुअल चलने लग रहा है, क्या हो रहा है, क्या मीटिंग में हुआ, क्योंकि मैं सोचता हूं कि यार आपको वो जेन्युइन चीजें बताई जाएं जो आपके काम आए। तो ठीक है, आज का जो वीडियो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, इस वीडियो को आपको एंड तक जरूर देखना है। एंड अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना भाई, ऐसे ही एमपी बोर्ड से जुड़ी हर एक खबर पाने के लिए टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से जाके आप हमें टेलीग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि बीते कुछ दिन पहले, मतलब 1 से 2 दिन पहले ही आप लोगों की एमपी बोर्ड ने मीटिंग करवाई थी। अब वो मीटिंग में 3-4 चीजें उन लोगों ने क्लियर की। फर्स्ट चीज तो आप लोगों की क्लियर की वो है आपके रिजल्ट की तारीखों को लेकर। एक ऐसी ही मीडिया रिपोर्ट्स की माने या फिर जो कुछ हमारे ऑफिशियल सोर्सेस वगैरह होते हैं उनकी माने तो यहाँ पे क्या हो रहा था कि मैंने तुम्हें बताया था कि एमपी बोर्ड की जो कॉपी चेकिंग की रफ्तार थी वो बीते कुछ दिनों से काफ़ी धीमी गति से चल रही थी, जिस कारण से क्या हो रहा था कि आपका रिजल्ट काफ़ी लेट आने वाला था। तो वो चीज़ें होने लगी थी, जिसको देखकर मैंने आपको बोला भी था कि यार आपका रिजल्ट आएगा, आप लोगों को जो है अगर IIT JEE नीट या फिर कोई भी आपको एग्जाम्स देने हैं 12th के बाद या 10th के बाद, कोई भी और अदर फील्ड में जाना है तो उसमें आपके कॉलेजों की जो सीट है वो पहले से रिजर्व हो जाएंगी, जिस कारण से यहाँ पर रिजल्ट लेट आएगा तो आपको नुकसान ही होगा। इसी चीज़ को बैठक में उन लोगों ने यही किया है कि यहाँ पर सख्त नियम कानून अपनाने का यहाँ पे जो है एमपी बोर्ड ने टीचरों को बोला है, खासकर जो टीचर आ नहीं रहे थे कॉपी चेक करने के लिए, क्योंकि बीते कुछ संडे के दिन जो हमारा हुआ था उसमें यहाँ पे लगभग 350 टीचर कम थे एक ही सेंटर में कॉपी चेक करने के लिए। तो ये चीज़ें होने लग रही थी, तो इसी को गति बढ़ाने के लिए यहाँ पे टाइम निकाला गया और इस चीज़ को स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए बोला गया है कि वहाँ पे जितना जल्दी हो सकता है कॉपी चेकिंग आप लोगों को करना है। उसके लिए यहाँ पे टीम की कुछ गठित जो भी बोलते हैं टीम गठन किया गया है, और वो गठन समिति जो है अब कॉपी चेकिंग को लेकर पूरा ध्यान देगी, कितना स्पीड से और कौन से टीचर नहीं आ रहे हैं, उन्हें नहीं आ रहे हैं तो उन्हें बुलाया जाएगा। तो ये फर्स्ट अपडेट थी जिससे आपकी कॉपी चेकिंग काफी स्पीड से हो जाएगी, रिजल्ट आपका जल्दी आ जाएगा। सेकेंड चीज थी वो थी आप लोगों की रिजल्ट की स्कीम बनाना। अब रिजल्ट की स्कीम बनाना प्लस बोनस मार्क्स देना, ठीक है, ये चीज़ें मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि ये भी कंपलसरी थी रिजल्ट की प्रोसीजर बनाना, क्योंकि जो फर्स्ट फेस हुआ था वहाँ पे एक एज अ डेमो यहाँ पे एमपी बोर्ड ने किया था, आप इस टाइप से समझ सकते हो, जिसमें वो देख रहा था कि अभी तक जो कॉपियाँ चेक हो रही थी उन कॉपियों में क्या रुझान आ रहे हैं, स्टूडेंट किस टाइप से क्वेश्चन के आंसर्स दे रहे हैं, किस टाइप से उनका रिजल्ट बन रहा है, ताकि फेज 2 और फेज 3 जब भी स्टार्ट हो और हो चुका है तो वहां पे आप लोगों को बेटर मार्क्स देकर रिजल्ट कितना बेटर बनाया जा सकता है एमपी बोर्ड का, इस चीज को भी लेकर वहां पे विचार किया गया है कि फेज 1 में देखा गया कि जितनी भी 3 सब्जेक्ट की आपकी कॉपियां चेक हुई थी उनमें रुझान कैसा आ रहा है। अगर उनमें रुझान लग रहा है कि यार इन रुझानों से तो अब नेक्स्ट जो कॉपियां चेक होने वाली हैं उनमें थोड़ा सा भी ये सब चीजें देखने को मिली और रिजल्ट अगर कम बन रहा है तो वो फेज 2 की कॉपियों में आपके मार्क्स वगैरह थोड़े थोड़े मार्किंग स्कीम को चेंज करके लाइक कंबाइंड मार्किंग, ग्रेस मार्किंग, और प्लस पॉइंट यहां पर आप लोगों का यह है कि बोनस मार्किंग के तहत भी आप लोगों को पास करने की कोशिश की जाएगी। आपने देखा होगा कुछ सब्जेक्ट में आपके मिस प्रिंट थे, कुछ में गलतियां थी, तो उनके एग्जैक्ट बोनस मार्क किस किस स्टूडेंट को दिया जा सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी है, इन चीजों को लेकर भी यहां पे एक्चुअल बैठक हुई थी। ठीक है, तो ये दो चीज़ें हैं। अब वो एक्चुअल जो चीज़ें होती हैं, अब भाई हम तो वहाँ पे गए नहीं थे कि वहाँ पे क्या मीटिंग में बोल रहा है एग्जैक्ट हम नहीं बता सकते, लेकिन जो लोग थे, जो मीडिया थी वहाँ पे, जो उपलब्ध थी मीटिंग जिनके सामने हो रही थी, उनसे ये हाईलाइटेड चीज़ें पता चलती हैं कि ये मेन पॉइंट हैं एकदम डिटेल में। तो भाई 2 घंटे के वो समोसे खा खा के चाय पी पी के वो लोग मीटिंग करते हैं, एक्चुअल पूरा की पूरा तो कोई नहीं बताएगा। 3-4 पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको। थर्ड पॉइंट थी यहाँ पे जो 5th, 8th, 11th, 9th वालों की जो परीक्षाएं थी वो डिले हो रही थी, परीक्षाएं स्थगित हो रही थी, तो उसी को लेकर यहाँ पे विचार विमर्श किया जा रहा था कि उन परीक्षाओं को कैसे कंडक्ट किया जाना चाहिए, और यहाँ पे वो हो चुकी हैं और टाइम टेबल भी अब यहाँ पे जो है जारी हो चुका है। तो 3 मेजर जो हैं ये इस मीटिंग का उद्देश्य था जो कि एमपी बोर्ड ने बनाया, जिसमें 10th और 12th वालों की 2 टाइप की बातें यहाँ पर की गई थी, बोनस मार्किंग वगैरह, प्लस यहाँ पर जो है अभी तक कैसा रुझान आ रहा है। अब आप लोगों को अगर जानना है कि अभी तक कॉपियों में क्या क्या देखने को मिला, उसके लिए मैं नेक्स्ट
नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बना दूंगा कि जितनी कॉपियां अभी चेक हुई हैं उनमें कैसा कैसा परफॉर्म बच्चों ने किया है, कुछ टीचरों से बात करके, कुछ मतलब कि अभी तक जो मीटिंग में हुई उसमें रुझान जो आया उसको जान के मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। कमेंट कर देना अगर आपको वीडियो चाहिए तो। भाई बस फिलहाल के लिए सिर्फ इतना था। एंड अगर ऐसे में आप अपना एमपी बोर्ड से जुड़ी कोई जानकारी या फिर भाई रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, सिंपली आप एक ऐप डाउनलोड करके रख सकते हैं जिससे आपको काफी कुछ प्रॉफिट हो सकता है। सिंपली आपको प्ले स्टोर में जाना है, प्ले स्टोर में जाने के बाद में आपको लिख देना है एमपी बोर्ड रिजल्ट 2023 एंड एमपी बोर्ड रिजल्ट 2023 लिखने के बाद में आप देखोगे तो यहां पे जो है आप लोगों को एक ऐप देखने को मिल जाएगा। इसका लोगो आप बाजू में देख सकते हैं। सिंपली इस लोगो को देख के आप लोगों को ऐप को पहचानना है और इंपॉर्टेंट एजुकेशन का एप्लीकेशन होना चाहिए, इस चीज का आप लोगों को ध्यान रखना है। सिंपली आप जैसे स्क्रोल करोगे, स्क्रोल करने के बाद में 5 स्टार की रेटिंग दे देना है। 5 स्टार की रेटिंग देने के बाद में अपना जो भी आप ऐप के बारे में लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं और सिंपली आप लोगों को सबमिट के बटन में दबा देना। जैसे ही आप इस ऐप को ओपन करोगे आपको 10th एंड 12th रिजल्ट की जानकारी, रिजल्ट की डेट, रिजल्ट चेक करने को एकदम इजीली ऑप्शन मिल जाएगा। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप वहां से भी इसे जो है इंस्टॉल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना था, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।